हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। आज हम लोग करेंगे पजल का क्लास, पार्ट 19 होगा हमारा मेंस लेक्चर। इसके पहले हम लोग 18 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर आता है। उसके अलावा एग्जाम क्रैकर सीरीज चल रही है आईबीपीएस व्यूअर एंड एसबीआई क्लर्क के लिए हमारे चैनल पर। ये आपके सामने आज का सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा एक सेकंड, हम आपको बता दें चैनल के बारे में कि चैनल पर जाइएगा तो यहाँ मेंस के लेक्चर पार्ट 18 हम अपलोड कर दिया था, ठीक है। ये व्यूज पे अगर आपको देखना है कि व्यूज कम है लेसंस पर और हम नहीं देखेंगे तो यहाँ व्यूज का मैटर नहीं रखता है, आपको लाख लाख व्यूज रहता है लेकिन सिर्फ हम आपको ईजी कॉन्टेंट पढ़ा दें तो उसका बेनिफिट नहीं होगा आपको वहाँ पे, ठीक है। जैसे यही हम आपको एक लेक्चर हम अपना आपको बताते हैं, ये मैंने जब ये लेसन अपलोड किया था पजल फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ मेंस, इसमें 40 व्यूज आए थे और मेरे 30 सब्सक्राइबर बढ़े थे। मतलब कि हर लगभग लगभग हर लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब किया, तो व्यूज पे मजा आएगा। बाकी हमारे चैनल पर आपको फ्री पजल का कोर्स चल रहा है जिसमें 19 लेसन अपलोड हो चुका है। ये प्रीलिम्स लेवल का पजल है, ठीक है। एग्जाम क्रैकर सीरीज की जो बात हो रही थी वो यहाँ एग्जाम क्रैकर सीरीज, ठीक है। अभी हम लोग मेंस का ही फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा आरआरबी असिस्टेंट का भी बात हो रहा है तो उसके लिए लेक्चर भी ला देंगे, एनएचबी के लिए भी लेक्चर सब ला देंगे। तो ये रहा आज आपके सामने, इस सवाल को आप ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। हम यहाँ पे आपको टाइम नहीं देंगे, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हम पेन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि eight persons are working in different company which were established in 8 different year. 8 person है जो कि 8 different company में काम करते हैं, जो कि establish किया गया है 8 different year में, 1963, 75, 87, 92, 96, 200, 2001, 2003 and 2010, ठीक है, 8 different person हो गए। Each company earns different amount of revenue. हर company जो है वो different amount of revenue करती है। All the calculation have been done on the basis of 2022. 2022 के हिसाब से आपका सारा कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। द कंपनी विच अर्न्स जस्ट मोर रेवेन्यू देन बीईएल वाज स्टार्टेड इन अ ईयर जस्ट बिफोर बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओके। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि कुछ देखो यहाँ से वाला डाटा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है हमारा, ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कोर हिंट इस जगह से स्टार्ट होता है और यहाँ तक रहता है, तो हमको थोड़ा जगह चाहिए लिखने के लिए तो उस ऊपर के डाटे को मैंने हटा दिया है। द कंपनी विच अर्न्स जस्ट मोर रेवेन्यू देन बीईएल वाज स्टार्टेड इन अ ईयर जस्ट आफ्टर बीईएल, ठीक है। तो बीईएल मैंने यहां लिखा और जो कंपनी इससे जस्ट इमीडिएटली अबव जो इसका रेवेन्यू जनरेट करेगी वो ये कंपनी जिसको मैंने डॉट से दिखाया है वो BEL के इमीडिएटली बिलो बैठेगी, ठीक है। ओनली टू कंपनीज वेर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन BEL एंड GAIL, BEL और GAIL के बीच में सिर्फ दो कंपनी है। द कंपनी विच अर्न द हाईएस्ट रेवेन्यू वाज स्टार्टेड इन एन इवन नंबर ईयर, जो हाईएस्ट रेवेन्यू करती है, रेवेन्यू जिसका है वो इवन ईयर में है। इवन ईयर हमारा कौन कौन सा है, 92, 96 और 2010। देखो यहां देख लो, 92, 96 एंड 2010 इवन ईयर है, ओके। इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर यहां पे एरो दे करके सीधे लिख दो, ये इवन ईयर है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, बी डज नॉट वर्क इन द कंपनी विच स्टार्टेड लास्ट, एफ एंड सी डज नॉट वर्क इन बीएसएनएल, ओके। बी जो है वो लास्ट पे जो स्टार्ट की है कंपनी उसमें नहीं है, मतलब 10 में जो है वो बी नहीं है, और एफ एंड सी जो है वो बीएसएनएल में नहीं है। एनआईसी स्टार्टेड इन एन ऑड ईयर, एनआईसी जो है वो ऑड ईयर में है, odd year, okay। By year को हम थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं,
ओके, ए वर्क इन अ कंपनी विच वॉज एस्टैब्लिश बिफोर द कंपनी इन विच ई वर्क्स. ए वर्क इन अ कंपनी, ए वर्क इन अ कंपनी विच वॉज एस्टैब्लिश बिफोर द कंपनी ई वर्क्स. तो ए जो है ई के पहले वर्क करता है, ठीक है, बट डजंट वर्क इन एनटीपीसी. तो ए जो है वो एनटीपीसी में नहीं है. भेल अर्न्स मोर रेवेन्यू देन एनटीपीसी बट लेस देन एमटीएनएल. तो भेल जो है वो BHEL, भेल जो है वो एनटीपीसी से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन किससे कम रेवेन्यू जनरेट करता है? एमटीएनएल से. गेल अर्न्स मोर रेवेन्यू देन द कंपनी इन विच एफ वर्क बट लेस देन एफ. ओके, गेल जो है वो ज्यादा रेवेन्यू एफ से जनरेट करता है लेकिन बीएसएनएल से कम. ठीक है, ये रेवेन्यू वाली बातें हैं, तो इसको हम बॉक्स पे कर दे रहे हैं. ओके, वन ऑफ द मेंबर्स इज डी. तो एक कोई मेंबर है, कौन है वो? डी है. द कंपनी इन विच एफ वर्क्स अर्न्स लीस्ट रेवेन्यू. एफ जो है वो लीस्ट रेवेन्यू पे है. ठीक, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे कर दो लीस्ट रेवेन्यू. ओके, गेल स्टार्टेड इन एन इवन ईयर. गेल जो है वो इवन ईयर में स्टार्ट किया, तो यहाँ गेल है ना, तो कर दो इवन ईयर. जी वर्क इन सेल विच एस्टैब्लिश इन 1987. पहला डायरेक्ट हिंट, जी वर्क इन सेल एंड ये कब है? 1987. द कंपनी इन विच एच वर्क्स अर्न लेस रेवेन्यू देन ओनली वन कंपनी. मतलब एच जो है वो सेकंड हाईएस्ट है. द कंपनी विच स्टार्टेड द थर्ड इज द थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू. थर्ड कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ वन टू थ्री, द कंपनी जो स्टार्ट करेगी थर्ड, वो थर्ड ये हो जाएगी. वो थर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू. तो थर्ड कौन है? 87. मतलब 87 वाला जो है वो थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू है. मतलब ये जो है ना वो थर्ड लोएस्ट है. ठीक है, थर्ड लोएस्ट है. अब एच नाइदर वर्क इन बीएसएनएल नॉर एमटीएनएल. तो एच जो है हमारा वो बीएसएनएल और एमटीएनएल में नहीं है. थ्री कंपनीज वेर स्टार्टेड बिटवीन एनटीपीसी एंड भेल. एनटीपीसी एंड भेल के बीच में तीन कंपनी स्टार्ट हुई हैं. तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एनटीपीसी और भेल के बीच में तीन कंपनी स्टार्ट हुई हैं. एनटीपीसी हैड स्टार्टेड इन ऑड ईयर बिफोर भेल. ये ऑड ईयर में स्टार्ट हुआ है, ऑड ईयर और बिफोर भेल. ओके, ई वर्किंग गेल. ई जो है वो कहाँ वर्क करता है? GAIL, गेल. गेल में वर्क करता है. सेल स्टार्टेड आफ्टर BEL. तो सेल जो है वो BEL के बाद स्टैब्लिश हुआ है. ओके okay, देखो मेंस का पजल है, टाइम लेगा हिंट लिखने में. आप कितना सबर करके देखते हैं वो मैटर रखता है यहाँ. ओनली थ्री पर्सन थ्री कंपनीज अर्न मोर रेवेन्यू देन BEL. तीन कंपनी जो है उसको ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है BEL से. ठीक है, मतलब BEL कौन सा है हमारा? थर्ड फोर्थ हाईएस्ट हो जाएगा. देखो थ्री कंपनीज अर्न मोर रेवेन्यू देन BEL, तो BEL हमारा फोर्थ हाईएस्ट हो गया, फोर्थ हाईएस्ट. द कंपनी इन विच जी वर्क अर्न लेस देन BSNL. जी जो वर्क करता है जिस कंपनी में, वो BSNL से कम है. ओके okay? जी कहाँ वर्क करता है? सेल में. मतलब सेल जो है वो BSNL से कम है. ठीक है, BSNL हु डज नॉट अर्न द हाइएस्ट रेवेन्यू. BSNL जो है वो हाइएस्ट नहीं है. ठीक है, द कंपनी विच स्टार्टेड इन 1922 डज नॉट अर्न द हाइएस्ट रेवेन्यू. 92 वाला भी हाइएस्ट नहीं है. ठीक है, 92 वाला भी हाइएस्ट नहीं है. सी डज नॉट वर्क इन द कंपनी विच अर्न द हाइएस्ट रेवेन्यू. सी भी हाइएस्ट नहीं है. MTNL वॉज इस्टेब्लिश बिफोर BSNL. ओके, MTNL
वॉज एस्टैब्लिश बिफोर BSNL, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैंने इस ये सारी चीजें लिखी हैं, इन सबको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हम आपको जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल मेंस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में आते हैं और जो डूएबल क्वेश्चन है। अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप आपको करा दे जिसमें आप बना ही नहीं पाइएगा बिल्कुल, फिर उस टाइप का क्वेश्चन मेंस में आपको स्किप ही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो रहे वो आपको मेंस में अगर आप बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग मेंस कर रहे हैं, अभी हम कंटिन्यूस मेंस करेंगे। अगर प्रीलिम्स का भी अगर आपको चाहिए लेक्चर तो बताइएगा, आरआरबी असिस्टेंट हो गया, एनएचबी एग्जामिनेशन हो गया, एनएचबी में तो प्रीलिम्स नहीं होता है लेकिन मेंस ही होता है डायरेक्ट, ओके। तो चलो हम लोग आते हैं, हमें क्या करना है यहाँ से सारी चीजें, ठीक है। पेन ले लेते हैं, पेन का इंक का कलर हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या क्या चीज पता है, यहाँ हमें यहाँ से इतनी चीजें पता है कि यहाँ पे हम लोग ईयर वाइज सबसे पहले लिख लेते हैं कि ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। तो ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है, 63, 75, 87, 92, 96, 01, 2001, 2003, 2010, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को आप यहाँ पे आगे कर लीजिएगा जहाँ पे हम आपको देख रहे हैं, स्किप कर लो 10 सेकंड आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग किस चीज को पुट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें पता है ये जो जी है ना वो सेल है और 97 पे है, जी सेल, तो पॉसिबिलिटी बना के चलते हैं जी सेल, ओके। अब देखो अब आगे किस चीज को हम लोग पुट कर सकते हैं, तो भेल जो है ना वो सेल के ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग BEL भेल को यहाँ बना सकते हैं, BEL भेल को यहाँ बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग ना नीचे एक ये लेके चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग का ये रेवेन्यू वाला सिस्टम लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो F जो था मेरा लीस्ट था तो F को पुट कर दिया हम लोग, और हमारा सेल जो था वो आपको थर्ड था ना, थर्ड लोएस्ट था सेल, फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, यहाँ पे सेल आ गया। और मेरा BEL के बारे में भी था कि BEL जो है मेरा फोर्थ हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, BEL मेरा यहाँ आ गया। तो जैसे ही हम लोग BEL को यहाँ हम लोग प्लेस कर दिया तो मेरा ये खत्म हो गया, ये पॉसिबिलिटी मेरी एंड हो गई। क्यों ये पॉसिबिलिटी एंड हो गई, यहाँ देखो जो बोला है ना कि B के जो इमिडिएटली नीचे बैठा है, B के इमिडिएटली नीचे बैठा है वो इमिडिएटली ऊपर है B के रेवेन्यू से, लेकिन BEL भेल के रेवेन्यू से, भेल के रेवेन्यू में सेल तो नीचे आ जा रहा है ये रेवेन्यू वाले चार्ट में, मतलब भेल के नीचे यहाँ सेल बैठा है लेकिन ये रेवेन्यू वाले चार्ट में तो भेल के नीचे है, तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, हमारी एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ चली, कौन सी, ये वाली, ये वाली पॉसिबिलिटी में क्या है कि BEL मेरा यहाँ है और G मेरा यहाँ है, सेल मेरा यहाँ है, ठीक है। अब हम लोग देखो भेल, BEL एंड गेल में दो है, P1 2 करके GAIL गेल यहाँ आ गया, सही है, ठीक है। और हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, देखो और हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, E जो है हमारा गेल है, तो E जो हमारा गेल है तो E को यहाँ पुट करो, E हमारा गेल आ गया। और किसको हम लोग पुट कर सकते हैं, देखो NTPC और भेल के बीच में हमारा 3% है और NTPC गेल के ऊपर है, ये वाला, ठीक
एनटीपीसी और भेल के बीच में तीन है, और भेल के ऊपर ये है, ऑड में है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी को हम लोग यहाँ पुट किया, एनटीपीसी एक दो तीन परसेंट छोड़ करके भेल को हमने यहाँ पुट कर दिया। सही है, चीज हम लोगों ने प्लेस कर दिया। कि अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, अब हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं कि एन आई सी जो है वो ऑड ईयर में है, तो 96, 10 और 3 में कौन ऑड है, एन आई सी मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, एन आई सी हम लोग का प्लेस हो गया। अब हमारा बचा बी एस एन एल और एम टी एन एल, तो बी एस एन एल और एम टी एन एल तो यहाँ दिया हुआ है, कि एम टी एन एल यहाँ आ गया, बी एस एन एल यहाँ आ गया, सब चीज तो पुट हो गया। अब हम लोगों को प्लेस करना है कि बाकी जो अरेंजमेंट हम लोग करना है इस पे करना है, रेवेन्यू पर अरेंजमेंट हमें करना है। तो हाईएस्ट रेवेन्यू हमारा 92, 96 और 10 में आ सकता है। ठीक है, हाईएस्ट रेवेन्यू जो है हमारा इवन ईयर में है, मतलब 92, 96 एंड 10। गेल, गेल तो हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ करते हैं कि देखो एम टी एन एल भेल और एन टी पी सी यहाँ है, बी एस एन एल गेल और एफ यहाँ है। अब इन दोनों को हमें किस तरीके से लिंक करना होगा, है ना, इन दोनों को किसी भी तरीके से हमें लिंक करना होगा। ओके, अब देखो हम लोग क्या क्या यहाँ पुट कर सकते हैं। एफ और सी बी एस एन एल नहीं है तो यहाँ कटेगा एफ, यहाँ कटेगा सी, बी भी हमारा 10 में नहीं आने वाला तो बी कट चुका है। मतलब कौन मेरा बच रहा है, एच एंड डी बच रहा है ना, एच और डी, एच और डी बच रहा है। तो या तो एच यहाँ आएगा या फिर डी यहाँ आएगा। ठीक है, अब मेरा बी एस एन एल और एम टी एन एल में हमको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देखो एम टी एन एल यहाँ है, एम टी एन एल से बड़ा फेल है, फेल से रेवेन्यू कम किसका है, एनटीपीसी का है। और इधर हमें पता है कि बी एस एन एल यहाँ है, गेल यहाँ है और एफ मेरा यहाँ है। ठीक है, अब 92 वाला जो है ना गेल यहाँ दिया है, 92 वाला हाईएस्ट नहीं है तो ये मेरा हाईएस्ट के रेस से चला गया। अब बचा एम टी एन एल और बी एस एन एल में कौन हाईएस्ट होगा, एम टी एन एल और बी एस एन एल में कौन हाईएस्ट होगा। एच जो है हमारा सेकंड हाईएस्ट है, तो एच मेरा यहाँ पे प्लेस कर दो, हमें पता है कि एच जो है सेकंड हाईएस्ट है। एच जो है हमारा बी एस एन एल और एम टी एन एल नहीं है, एच जो है बी एस एन एल और एम टी एन एल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कि कौन कौन आने वाला था, एच डी मेरा यहाँ आ जाएगा क्योंकि तो एच और डी ही हमारा बच रहा था, और ए ए भी हमारा बच रहा है ना, तो ए मेरा ई के ऊपर है और एन टी पी सी नहीं है, ई के ऊपर एन टी पी सी नहीं, मतलब ए मेरा यहाँ आ जाएगा। मेरा कौन जगह बचा हुआ है, 1, 2, 3, 4 जगह बची हुई है, तो यहाँ पे एफ एंड बी एफ सी एच और डी बचेगा, तो एच मेरा बी एस एन एल नहीं आ सकता है तो डी मेरा वहां आ गया। अब मेरा बचा एच, एच मेरा भेल नहीं आएगा और निक भेल, एच एच मेरा बी एस एन एल और एम टी एन एल नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे मेरा एच नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरा एच भेल में आ सकता है या फिर एन आई सी में आ सकता है ना। ओके, एनआईसी मेरा ऑड ईयर में है। ओके, हम लोगों को कुछ कनेक्ट तो यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एनटीपीसी देखो कुछ रेवेन्यू वाला, अच्छा यहाँ पे देखो हमें ये पता चल गया, ये देखो ये वाली हिंट हमें फिर से हिंट मदद की कि भेल के इमिडिएटली ऊपर कौन है रेवेन्यू में, जो कि भेल के इमिडिएटली नीचे है, मतलब भेल के इमिडिएटली ऊपर कौन आ जाएगा यहाँ पे, एनटीपीसी। अब यहाँ पे एनटीपीसी आ गया तो ये कौन आ गया, बी एच ई एल भेल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, एम टी एन एल आ गया। ठीक है, अब हमने इसको प्लेस कर देते हैं, बी एस एन एल मेरा यहाँ आ जाएगा और गेल मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एफ मेरा कौन सा बच गया, एन आई सी, एन आई सी मेरा एफ आ गया, एफ यहाँ आ गया, ये एच मेरा यहाँ आ गया। अब मेरा एम टी एन एल और एन टी पी सी बचा है, एम टी एन एल और एन टी पी सी। अब देखो एम टी एन एल और एन टी पी सी के लिए कौन बच रहा है, सी एंड डी बच रहा है। एम टी एन एल सी मेरा हाईएस्ट नहीं है, सी मेरा हाईएस्ट नहीं है तो सी मेरा यहाँ आ गया, डी मेरा यहाँ आ गया, ये पजल मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा लगा ये पजल, आप अगर नए हैं चैनल पर तो बताइएगा। अभी आप लोग को ये मेरा 9th लेसन था मेंस का, 9th लेसन था मेंस का।
उसके अलावा पजल फॉर बैंक एग्जाम करके, इसमें भी हम लोग आपको न्यू पैटर्न का क्वेश्चन कराया है। तो लेसन अच्छा लग रहा है तो देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरा लेक्चर 18 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखा है इस टाइप के क्वेश्चन कि कैसे आपको करना है, तो आप लोग देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।